अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं काउंटर पे काउंसलिंग के लिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। ठीक है, वैसे तो मैं काउंटर पे भी और मेरी टीम जो है और हम दोस्त जो भी यहाँ पे हमारे स्टाफ काम कर रहा होता है हम लोगों को गाइड करते हैं, बट ये कि इस वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि लोग समझ जाएँ कैसे जो है चीज़ें हम कोर्स करवा रहे हो, क्या पैकेज हो, क्या मतलब कोर्स आउटलाइन है। तो सबसे पहले ये कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक है, तो उनके लिए कोर्स हम सजेस्ट करते हैं CIT का, CIT एडवांस कोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें बताते हैं, इंस्टॉलेशन और जो है कंट्रोल पैनल, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें, एंटीवायरस। उसके बाद हम मूव होते हैं MS ऑफिस की तरफ, जिसमें हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके ऊपर एडवांस जो है हम चीज़ें सिखा रहे होते हैं। पावर पॉइंट के ऊपर ही अगर बात की जाए तो पावर पॉइंट के ऊपर लोग कार्टून बनाकर, 2D कार्टून बनाकर जो है वो अच्छे खासे डॉलर्स अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक सॉफ्टवेयर की डिमांड है मार्केट में अगर तरीके से आप सीखे तो। ये पहला मॉड्यूल है, बेसिक के बाद हम MS ऑफिस, और उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम फोटोशॉप से स्टार्ट करते हैं, इनपेज और इलस्ट्रेटर ये सिखाते हैं, कंप्लीट सिखाते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे बच्चों की अच्छी लर्निंग होती है और उनका हाथ साफ होता है, स्किल बढ़ती है उनकी। तीसरा ये कि हम इसमें वेब डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, ये सारी चीज़ें जब बच्चा करता है, रिस्पॉन्सिव साइट डिज़ाइन करता है, e-commerce template डिज़ाइन करता है, तो उसकी जो है वेब डिज़ाइनिंग स्किल इन्हेंस होती है। बच्चे के पास ऑप्शंस होते हैं, तो ऑफिस साइड जाए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग साइड जाए, या वेब डिज़ाइनिंग साइड जाए, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में भी आगे जा सकता है। तो ये जो है उसके पास ऑप्शंस होते हैं, वो मल्टी प्रोजेक्ट्स कर सकता है, मल्टीपल काम कर सकता है, इसीलिए इसको हम एडवांस CIT कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद, ये मॉड्यूल्स ख़त्म होने के बाद हम उन्हें फ्रीलांसिंग की क्लासेस देते हैं, जो कि हम अलग से फ्रीलांसिंग की क्लास कंडक्ट करते हैं, उसके अलग से चार्जेस हैं, वो इस CIT के साथ एज अ बोनस इंक्लूड है, जिसमें बच्चे ने जो स्किल सीखी होती हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या, फ्रीलांसिंग यही है कि आप ऑनलाइन क्लाइंट या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब सर्विस क्या है, सर्विस में एक स्किल यानी कि एक हुनर आपको आना चाहिए, जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तभी तो क्लाइंट आपको अपना काम देगा और जो है आप वो काम करके उसे डिलीवर करेंगे, कंप्लीट करके उसे डिलीवर करेंगे। तो उससे पहले आपको हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं, MS ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ताकि आप फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकें और काम को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें और फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम।